फट गए अरे।, अरे कपड़े फट गए भाई इज्जत फट गई बहुत कुछ फटा है लेकिन आज इंडिया क्रिकेट ऐसे खेल रही थी जैसे आज क्रिकेट नहीं खेलेंगे तहल का क्रिकेट खेलेंगे येले। येले। भाई गेम ओवर हो गया यार क्या क्या है ये मतलब पहले दिन बारिश हो गई अगले दिन विकटो की बारिश हो गई हम कहा जाए ये छियालीस पे ऑल आउट ये टीम है हमारी ये खेलेंगे डब्ल्यू का फाइनल ये जीतेंगे वो गधे वाला ट्रॉफी गधे वाला गद, गधे गधे गधा गधा गधे वाला वो टेस्ट मैच जो है डब्ल्यू टी सी जीतने में मिलती है यार मेरे को तो ये लगता है मुझे पता है कि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हैं बहुत परेशान है कि ये क्या हो गया इंडिया के साथ क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ छोट कुछ है ना बड़ा ऐसे नुकसान आने वाला था वो छोटे में आके टल गया है अच्छा क्योंकि आप सोचो ये छियालीस ऑल आउट अगर अभी आ गया है हाँ, हाँ, सोचो ये अगर ऑस्ट्रेलिया जाके आया होता तो क्या इज्जत बचती है अपनी टीम इंडिया की कभी छत्तीस ऑल आउट हो रहे हैं वहां जाके कभी छियालीस ऑल आउट हो रहे हैं अच्छा है यही पे हो गए यार अपने लॉर्ड में मैच होना था वहां जाकर भी अगर ऐसा कर लेते फिर क्या इज्जत रह जाती अपनी अच्छा है यही हो गए यार अच्छा कैसे है यहाँ हो गए अपने घर के अंदर छियालीस ऑल आउट हो गए ये कोई ऑल आउट होने वाली जगह है बेंगलोर का मैदान जहां पे आईपीएल के मैच में दो दो सौ रन लग जाते हैं वो यहां पे छियालीस रन बना पा रही है पूरी टीम इंडिया मिलके मैं अगर किसी जले के ऊपर नमक ना छिड़कू उस पे हल्की सी वो लगाऊं बर्नॉल सी तो तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही ना हजम नहीं हो रही ना तुम्हें क्यों हजम इतनी चोटें इतनी जलन है उसके ऊपर थोड़ी सी आराम पड़ जाए तुम्हें नहीं हजम हो रहा है व्हाट इज दिस इतनी गंदी बैटिंग परफॉर्मेंस कैसे हजम कर जाओ बैटिंग तो छोड़ो बॉलिंग जब वो बॉल डाल रहे थे तो यहाँ यहाँ पे बॉल आ रही थी यहाँ घूम रही थी वहां घूम रही थी अपने बंदे आ गए बुमरा तक से विकेट नहीं निकल पा रही है क्या है ये कैसा मैच हो रहा है क्या है इन्होंने बीच मैच में पिच बदल दी ऐसे आगे ऐसे पलट दिए हाँ। वो पाकिस्तान वाले कौन थे वो ऐसा भी कह रहे थे ना प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब वो कह रहे थे एकदम से मोहनजुदी का जब तलवार चलानी थी राजा पलट दिया अभी दुर्गाष्ट में न, गई है वैसे ही उन्होंने ट्रिक पकड़ ली ट्रिका बोल बुलैया थ्री का भरोसा नहीं है वन तो बढ़िया कर लेते वही कर लेते हैं इनको पलट देते इनको बिल्कुल

खेल रहे थे रिवर्स स्वीप खेल रहे थे आगे बढ़ के गिर पड़ के शॉट खेल रहे थे तब तक रन आ रहे थे जहां उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट खेलने की कोशिश करी ले डिफेंस करता हूं ये ले ये ले भाई <laughs> तो ये तो उनका है ही नहीं ना नेचुरल गेम हाँ, हाँ ये उनका क्रिकेट खेलना नेचुरल गेम नहीं है वो खेलते क्रिकेट में हाँ। लेकिन क्रिकेट उनका नेचुरल गेम है वो अपना कोई नहीं जानता क्या है वो <laughs> वो कौन सी गेम खेलते हैं अभी तक लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे। ये राज भी उन्हीं के पास है बस। लेकिन आ, सारे मजाक से हटके टीम इंडिया का आज जो परफॉर्मेंस था मैं कह रहा हूं क्या था क्यों था? था किस लिए था क्या ऐसी मजबूरी थी किसका एमएमएस वॉशरूम ही जाना था। बोलते दो मिनट में आया भाग के जाते करके फिर आ जाते आ विकेट नहीं क्या यार थी? एक तो समझ में नहीं आया ये इंडिया का जो हाल हुआ पहले तो आप ये फॉलो ऑफ विकेट देखो भाई साहब क्या बेहतरीन है छियालीस पे ऑल आउट हो गए फॉलो विकेट आप देखो रोहित शर्मा गए नौ रन का स्कोर एक विकेट कोहली नंबर दो नौ रन पे सरवराज दस रन पे तीसरा विकेट इनका गया यशस्वी चौथा विकेट गया इकतीस रन पे के एल राहुल पांचवा विकेट गया तेतीस रन पे रविंद्र जडेजा छठा विकेट गया चौंतीस रन पे अश्विन सातवा विकेट गया चौंतीस रन पे ऋषभ पंत आठवां विकेट गया उनतालीस रन पे बुमराह नौवां विकेट गया चालीस रन पे और दसवा विकेट कुलदीप यादव छियालीस रन पे ये फॉलो विकेट था इनका अगर आप बैटिंग कार्ड देख लोगे तेरह दो जीरो जीरो बीस जीरो 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 टू वन फोर एक जीरो एक्स्ट्रा गए तो वो जैसे आकाश चोपड़ा सर कहते हैं ये तो मोबाइल का नंबर लग रहा है किसी का एच कोड के साथ अरे रॉन्ग नंबर था ये ऐसा <laughs> कोई नंबर होता है सर विवियन रिचर्ड सिराज अरे नॉट आउट गए <laughs> भाई चौका मारा है उन्होंने लॉर्ड लॉर्ड लॉर्डराज सिराज ने जो चौका निकाला उन्होंने, पट भाई आप सोचो सिराज थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है पूरी टीम के थर्ड हाईएस्ट रोहित तो, और रोहित तो और कोहली के रन मिला दोगे फिर सरफराज के रन मिला दो फिर उसमें के राहुल के रन मिला दो फिर रविंद्र जडेजा के रन मिला दो फिर अश्विन के रन मिला दो तब जाके भी भी लॉर्ड सिराज के पास पास नहीं नहीं पहुंचे, <laughs> <नहीं> पहुंचे, <laughs> <नहीं> पहुंच <laughs> में घूम रहे हैं, अश्विन जडेजा राहुल सरफराज कोहली और रोहित आप कुलदीप यादव के रन लगेंगे बीच में ऐड करके तब जाके वो कहीं लॉर्ड सिराज की ग्रेटनेस के आसपास पहुंच पाएंगे लॉर्ड सिराज, आठ लोगों ने मिलकर सिराज जितने रन मारे हैं आप ये सोचो सिराज भैया थोड़ी बंदे डीएसपी बने घूम रहे है क्या हो गया ये इनको... क्यों नहीं इनसे विकटे निकल रही है क्यों क्यों नहीं हो रही बॉलिंग यार तो श्रीलंका में जब ऐसा वेदर कंडीशन हो रही थी तब तो आप छह छह विकटे निकाल रहे थे ग्यारह ग्यारह बारह बारह रन दे के सोलह सोलह रन दे के अब यहाँ पे जब जरूरत थी कि छह विकटे सोलह रन पे निकालने की तब आप रन पे रन खाए जा रहे हो रन पे रन जा रहे हो मजे की बात ये कि न्यूजीलैंड के जो सारे विकेट जो उन्होंने लिए हैं टीम इंडिया की वो सारी पेसर्स ने लिए हैं तीन पेसर्स उन्होंने लिया तीनों के तीनों ने बॉलिंग करी टीम सऊदी का एक विकेट उसमें मैट हेनरी के पंज, पंजा खोल दिया उसके अलावा आपके रुड़की साहब चार लेके आए

गुम, 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 गुम गुम हो गए गुम गुम गुमरा हो गए अरे गुम हो गए गुम हो गए। गुम, उनकी बॉलिंग की वो धार गुम हो गए उनकी थी, जब में इंडिया करने थी तब वो कास्ट थे हवा हवा चल रही थी पिच एकदम वैसे हल्का डैम था और खेलना मुश्किल था उस टाइम पे तो भाई टीम इंडिया के लिए मुश्किल था तो उन्होंने दिखाया कि देखो कितना मुश्किल था तो कल मुश्किल होगा उसके बाद जैसे ही टीम इंडिया की जैसे जैसे विकटें खत्म पतन की तरफ आ चुकी थी टीम इंडिया उसी टाइम पे सूर्य देवता आ गए हाँ, ये वो क्या, को, आओ मैं तुम्हारा ग्राउंड सुखा दू कोई मिल गया मैं नहीं होता तो हूँ बास्क हे किशन के नहीं है? आज अपनी बंसी बजा दो और वो धूप निकल आती है तो भाई यहाँ पे भी किसी ने ऐसे ही करा न्यूजीलैंड में रोहित मेहरा था, था यहाँ पे कोई <laughs> रोहित मेहरा न्यूजीलैंड में भी तो रोहित हमारे हैं ना लेकिन तो उनके वहां भी तो कोई रोहित मेरा होगा भाई उनकी सुन ली पता नहीं भगवान जी ने ऐसा कुछ हुआ है कि बाद में धूप आ गई और टीम इंडिया की ऐसी लंका लगी है ऐसी लंका लगी है hmm. लंका से याद आया श्रीलंका से हार के पहुंची है ये टीम न्यूजीलैंड की जो है मैच भैया हार के टेस्ट मैचेस में ये फॉलो करा, करा हारे हैं भाई इनिंग हैं। ये लोग मतलब इतनी बुरी तरीके से हार के यहाँ पे पहुंच रहे थे इनकी क्या इज्जत थी इनके दिमाग में क्या मतलब ये लोग सोच रहे और भाई मतलब ऐसी फॉर्म के अंदर बांग्लादेश को तो टीम समझा ही नहीं हाँ, नाको चने चवा है जी ना कोच ने। ये कहा बाल भारती खोल के बैठा है लड़का आज अपनी इस वीडियो के लिए नीचे खोल खोल ज्ञान सरोवर के बैठा है मुहावरे कारपेट का <laughs> समझ लिया था बांग्लादेश को टीम इंडिया ने यार कारपेट कार्पेट हाँ, और बताओ बाद में कारपेट की तरह साफ कर दिया रोज दिए न्यूजीलैंड ने और उसके बाद रन भी इतने बना दिए भाई इनकी एक सौ अस्सी रन बना दिए पचास ओवर में बताओ चार गुना से भी ज्यादा रन बना दिया कौन में शुक्र है आउट हो गया ये आदमी सौ के लगभग सौ के स्ट्राइक रेट से लगातार खेले

हमारे पाकिस्तानी फैंस अभी खुश हो रहे okay. हैं हाँ, यार है। वो तो अच्छा खेल रहे हैं अपनी तरफ से उनका वो साजिद जो है खान हाँ। वो लेके गया भाई साहब पहली इनिंग में सात सात बिगटे साजिद खान हाउसफुल वाले नहीं नहीं अलग है ये ये वैसे वाले हैं अच्छा तेज हाँ यह बहुत बढ़िया स्पिनर इनके निकले हैं और ऐसे ही हुआ है कि वो कह रहे हैं कि बाबा जब से टीम से बाहर गए ना

रखो अपने पास उनको नहीं सही बात है बाकी भाई एक चीज और समझ में नहीं आई हाँ। पूरा मैच पूरा दिन निकल गया ये इस बात पे। सर, चर्चा करते करते चिंतन मनन करते करते हाँ। ये टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा साहब बैटिंग लेनी चाहिए थी कि नहीं भूल गए होंगे क्या वो? करना था <laughs> वो भूल गए और भूल जाते हैं वो बता ही रहे हैं कि मैं तो हर बार भूल जाता हूँ <laughs> हर कोई सोच रहा है भाई साहब जब आपके पास इतना बढ़िया मौका था बॉलिंग ले, ले लेते सब कर लेते मजे ही आ जाते so, नहीं ऐसे मन कर रहा था कह रहा लग रहा है कौन कौन आके पहले पहले फील्डिंग करे करे मेहनत ज़्यादा बैटिंग कर लेते आराम से और रोहित शर्मा कह मैं तो जल्दी आउट हो ही जाता हूँ मेरे लड़के संभाल लेते हैं पर अब लड़कों ने भी हाथ खड़े कर दिए भाई एक भाई वो था, वो था ना कि भाई, पहले दिन बारिश की वजह से हाँ एक तो मैच ही नहीं हुआ हाँ बिल्कुल गुस्से में थे रोहित आज जब मैच हुआ तो खत्म हो गया हाँ लो एक ही एक सेशन में कैसे मैच <laughs> खत्म होता है भाई ये हमने आज होते हुए देख लिया एक ही सेशन में जो रोना निकला है इंडिया का बिल्कुल ठीक नहीं हुआ यार अब हम होप कर मतलब करें... मेरा गला ज्यादा अच्छा चल रहा है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब हो गई है व्हाट इज दिस क्या क्या बात क्या डेवलपमेंट आई है ये मैं वही कह रहा हूँ मैं गला बेटर हो रहा है आ, लेकिन टीम इंडिया इज डिटेरियोरेटिंग ओ

एन... चौथी इनिंग्स में न्यूजीलैंड को थोड़ा पकड़ ले तो हमें पांच सौ रन तो बनाने पड़ेंगे तो फिर कौन है अपना है हैरी ब्रू कट वो क्या नाम है जोरू जो, जोरोसठ और कौन, कौन आ रहा है तीन सौ विराट कोहली रोहित शर्मा विराट कोहली रोहित शर्मा इजी विराट कोहली दो सौ रोहित शर्मा तीन सो

परसों और परसों तीनों दिन बारिश होती रहे ताकि ये मैच <laughs> ड्रॉ हो जाए आ, नहीं भी होगा तो भी जो भी मैच होगा उसके ऊपर में गंभीर साहब क्या कह रहे थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हम, हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 भी ठोक दे हुँ. और मैच बचाने के लिए दो दिन लगातार बैटिंग भी कर ले लो जी दो, दो दिन लगातार अब यहां से अगर ढाई दिन लगातार बैटिंग करनी पड़े तो तभी ड्रॉ हो सकता है मैच तो मैं बारिश पे ज्यादा ट्रस्ट करूंगा <laughs> अब बारिश हो जाए तो ज्यादा बेहतर है बाकी आप लोग भी बता दो यार ये क्या दिक्कत कहाँ रही है टीम इंडिया को एकदम से दिक्कत कहाँ गई आप आप ही अपने कमेंट करके बताओ हम चलते हैं इस मैच के बारे में और खुरेदने के लिए अपने जख्मों को हरा करने के लिए मेरा नाम है प्रशांत कपूर मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच